नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब एंड हर हर महादेव टू ऑल यू लवलीज़। वेलकम टू माय चैनल जॉलीवुड बाय जॉली भाटिया। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आई एम श्योर आप सब अपने अपने घरों में एकदम मज़े में होंगे। मैं भी एकदम मज़े में हूँ। और थंबनेल देख के आप लोगों ने पता तो कर ही लिया होगा कि आज का ये जो ब्लॉग है इट इज़ अबाउट माई स्किन केयर रूटीन और यू कैन से माई मेकअप रूटीन एंड वॉट डू आई डू and how do I get ready for coffee when I'm going for coffee or a meeting friends। so मैं आज आपको basically मेरा जो daily का स्किन केयर रिजीम है ऐसा कोई खास नहीं है। one more disclaimer कि I am not a pro in स्किन केयर। I am absolutely zero when it comes to makeup। I know makeup but उतना ही जितना मेरे को ज़रूरत है, you know, इतना ही मुझे आता है जितना मुझे अपने लिए ज़रूरत है। दैट्स इट। इतने सालों में मैंने इतना ही सीखा है। और व्हेन इट कम्स टू स्किन केयर रिजिम तो ऐसा कोई खास मेरा स्किन केयर रूटीन नहीं है गाइस। आई एम रियली वेरी बैड एट स्किन केयर। मेरा स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है एंड अभी बीच में ही मैंने अपना ये स्किन केयर का कुछ रूटीन स्टार्ट किया। अदरवाइज आई यूज़ टू यूज़ अ लोकल जो भी मुझे मॉइस्चराइज़र मिलता था। मॉइस्चराइज़र मैं बहुत यूज़ करती हूँ। उसका रीज़न ये था कि आई एज आई टोल्ड यू आई हैव अ ड्राई स्किन तो मुझे स्किन पे मतलब इमिजिएटली आफ्टर शावर आई यूज़ वैसलीन और डव जो जनरली आपको हर यू नो मेडिकल स्टोर में अवेलेबल होता है वही मॉइस्चराइज़र मैं अपने बॉडी पे यूज़ करती हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर द स्किन मैंने बहुत सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए थे। एंड पिछले दो साल पहले मैंने एक क्रीम यूज़ की थी। आई वॉन्ट नेम इट बिकॉज यू नो शुड आई नेम इट आई मीन आई डोंट नो मुझे डीफेम करने का मुझ पर कोई केस ना कर दे। बट आई वॉज वेरी फैसिनेटेड विद द बायोटिक प्रोडक्ट्स। तो मैंने ना बायोटिक्स के प्रोडक्ट स्टार्ट किए थे यूज़ करना और उसका मॉइस्चराइज़र अच्छा है लेकिन आई थिंक मुझे ना उस ज़्यादा वो थिक होने की वजह से आई थिंक सो वो मुझे एक्ने देने लग गया। एंड ऑल्सो मुझे कुछ 6-8 महीने पहले आई हैड हार्मोनल इम्बैलेंस का इशू। हम यू नो लेडीज़ लोगों को होते रहता है ये सारे हार्मोन्स हमारे इम्बैलेंस होते हैं और स्ट्रेस के वजह से कभी कुछ होता है कुछ होता है। सो मुझे भी हुआ था। सो उसके वजह से मुझे ना काफ़ी यहाँ पे चिन पे आई वॉज़ गेटिंग पिम्पल्स एंड उसके बाद में पिम्पल के मार्क्स रह रहे थे और मेरे फेस पे ये देखो अभी भी है यहाँ पे। कैन यू सी यहाँ पे आ रहा है आया था एंड देन यहाँ पे आया था। सो इट वाज अ वेरी बिग वन और यू नो वो बहुत मार्क्स छोड़ रहे थे एंड मुझे ना कभी टीनेज में नहीं आए थे। मतलब मैं आई वॉज़ वंडरिंग कि एक्चुअली में लोगों को टीनेज में आते हैं यू नो जवानी होती जब है नई जवानी होती है तब आते हैं लेकिन मुझे उस वक्त बिल्कुल भी स्किन की ऐसी कोई इशू नहीं थी। टचवुड मैं सिर्फ मॉइस्चराइज़र फेस पे लगाया पाउडर लगाया वो भी पॉन्ड्स का एंड दैट्स इट। बट अब यू नो आई डोंट नो व्हाई आई मीन सडनली इन 30s मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है। सो आई लेटर ऑन केम टू नो दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस एंड बिकॉज ऑफ द हार्मोनल्स जो इम्बैलेंस होते हैं एंड ऑल दैट। तो एनीवेज तो मैं स्किन स्पेशलिस्ट के पास गई। उनका नाम है अर्शी राहुल एंड यू मस्ट फॉलो हर। हर पेज इज़ देयर ऑन इंस्टाग्राम एंड शी इज़ एन अमेजिंग वुमन। सो शी गेव मी सम स्किन केयर रूटीन एंड आई स्टार्टेड यूजिंग दैट एंड टचवुड अब मैं बहुत ही अच्छे से यू नो मतलब अभी मेरी स्किन का जो प्रॉब्लम ये जो है ये सब फेड हो रहे हैं। उन्होंने मुझे जो ट्रीटमेंट दिया था उसमें जो क्रीम्स दी थी अब तो वो क्रीम मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ बट मोटा मोटी उन्होंने मुझे बताया था कि मुझे कौन सा यू नो पर्टिकुलरली आपको जब आप लेते हो कोई भी मॉइस्चराइज़र या सीरम तो आपको क्या देखना है। सो ये सारी चीज़ें उसने मुझे समझाई थी। तो टचवुड बिकॉज ऑफ दैट वो सेम प्रोडक्ट्स मैं एक या दो बार रिपीट कर पाई। उसके बाद में मैं दूसरे प्रोडक्ट्स पे स्विच किया है एंड बिकॉज ऑफ हर हेल्प। सो आज चलो क्विकली स्टार्ट करते हैं आज का जो ये व्लॉग मैं बना रही हूँ जिस कारण से बना रही हूँ। हाउ डू आई गेट रेडी फॉर माई कॉफ़ी डेट और यू कैन से हाँ माई स्किन केयर रिजीम एंड मेकअप रिजीम। या सो अभी मैंने ना अपना फेस वॉश कर लिया है। जो फेस वॉश है उसका भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ बिकॉज अब मैं बाथरूम में से जाके उसे लाने नहीं वाली हूँ। सो आप लोग देख लीजिए ये भी मुझे मेरी डर्मेटोलॉजिस्ट ने ही सजेस्ट किया था और मैं अब तक ये वाला यूज़ कर रही हूँ एंड दिस इज़ रियली गुड। सो फेस वॉश कर लिया है एंड सबसे पहले आपको पता है कि यू नो आपको कुछ तो मॉइस्चराइज के लिए यूज़ करना पड़ेगा। शी हैज़ गिवन मी अ मॉइस्चराइज़र एज वेल बट अगेन एज आई सेड कि विंटर्स में मुझे मॉइस्चराइज़र ज़्यादा लगता है फेस पे। अदरवाइज़ ज़्यादा मॉइस्चराइज़र हो जाने से भी
एक्नेज आते हैं. सो दिस इज ऑल्सो शी टोल्ड मी, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था. तो दिस आई एम यूजिंग, ऐसे ही करते हैं ना यार. सी दिस आई एम यूजिंग मिनिमलिस्टिक का है, मिनिमलिस्टिक का है ना, हाँ मिनिमलिस्टिक का है फेस सीरम. एंड इसका जो भी है डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डाल देती हूँ. सो इसके कुछ ड्रॉप्स जो है, देखो आई एम नॉट यू नो मेकअप व्लॉगर और स्किन केयर एक्सपर्ट एज आई सेड. तो मैं वो ऐसे जैसे वो लोग यू नो दे डू द समथिंग लाइक दिस 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 दिस, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही, ऐसा कुछ मुझे नहीं जमता. बट मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को बता पाऊँ कि मैं क्या करती हूँ. सो आप लोग, मैं ना इसे ऐसे सिंपल से ऐसे ड्रॉप्स ले लेती हूँ और फिर उसे अपने नेक पे और अपने फेस पे अच्छे से मसाज कर लेती हूँ मेरा हेडफोन. मैं आज एक साथ में ना इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रही हूँ. डू यू थिंक आई शुड टाई माई हेयर? आई शुड टाई माई हेयर एक्चुअली, सो दैट ये देखो अब मेरी स्किन थोड़ी सी हाइड्रेट हुई है. ये ऐसे वेस्ट कितना होता है यार, इससे बहुत वेस्ट होता है. सो या ये मुझे, ये मैं अपने रेगुलर बेसिस पे, इवन इफ आई एम नॉट गोइंग आउट आफ्टर शावर, मैं बस ये यूज़ करती हूँ अभी की सीज़न में. अभी विंटर्स जब स्टार्ट हो जाएंगे देन आई विल बी यूजिंग दिस विद द अनदर मॉइस्चराइजर. ये सीरम है, सीरम के साथ में, सीरम के बाद आई एम बी यूजिंग द मॉइस्चराइजर. बट अभी मैं वो स्किप कर रही हूँ बिकॉज अभी मुझे ज़रूरत नहीं है. सो या दैट्स इट. उसके बाद में मैं करती हूँ, अच्छा मुझे जो मेरी डर्माटोलॉजिस्ट ने एक सनस्क्रीन लोशन, मैं बिल्कुल नहीं लगाती थी बिकॉज उससे मुझे बहुत चिपचिप फील होता था तो मैं बिल्कुल नहीं यूज़ करती थी. बट उन्होंने मुझे बोला नहीं यूज़ करना है आपको, तो उन्होंने जो मुझे दिया था वो ख़त्म हो चुका है. उसको 15 दिन हो गए और मैं सर्च कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला. ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है एंड लोकल जो मार्केट है वहाँ पे दिख नहीं रहा है. सो मैंने एक जगह से ऑर्डर किया है, सो एक दो दिन में आएगा. तो अभी फ़िलहाल के लिए आई एम यूजिंग उसी का, उसी के जैसा ये सेम है, ऑलमोस्ट सेम है. ये मैंने दुबई से ख़रीदा था. अच्छा मैं कोई शाइनिंग नहीं मार रही हूँ, दुबई में ज़रूरत पड़ रही थी बिकॉज सचमुच में वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्किन की वाट लग रही थी मेरे. सो ये मैंने दुबई से ख़रीदा है SPF 50. कैन यू ऑल सी, दिख रहा है ना गाइज? मुझे ना इसमें कुछ समझ में नहीं आता इसके अंदर का. मैंने देखो अभी तक स्टिकर भी नहीं निकाला, ऑलमोस्ट 25 दिरहम का लिया था. सो ये है ना टिंटेड, क्या बोलते हैं, टिंटेड SPF है. सो इससे जो मेकअप बीबी क्रीम आप कह सकते हो या फिर आप कभी कभी यू नो फाउंडेशन लगाते हैं तो वो फाउंडेशन का काम ये करता है. तो ये भी मैं ऐसे ही देहातियों के जैसे ऐसे ही लगाती हूँ. ओके और जब मुझे ना कहीं ऐसे बाहर ड्रामा मतलब पार्टी वार्टी में जाना रहता है ना तो मैं एक फाउंडेशन है, कौन सा फाउंडेशन है मैं एक मिनट आपको बताती हूँ. या आई हैव दिस फाउंडेशन मेबेलिन का, फिट मी, ठीक है. तो वो मैं यूज़ करती हूँ. तो ये हो चुका है और वेलकम. देखो भाई मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कि इसको ना वो जो मेकअप ब्लॉगर्स और बाकी जो होते हैं वो लोग कैसे, मुझे बिल्कुल पता नहीं है कि वो लोग कैसे लगाते हैं. बट मैं ऐसे ही लगाती हूँ और अगर आप में से कोई स्किन केयर एक्सपर्ट है जो मेरा ये वीडियो देख रहा है तो कृपया मुझे इस पर ज्ञान ज़रूर दीजिएगा क्योंकि मुझे इस ज्ञान की बहुत ज़रूरत है. और ऑल्सो तो बस ये हो गया, ये मेरा अगर मुझे बस यहीं लोकल लोकल में कहीं बाहर जाना है तो मैं ये यूज़ करती हूँ. अदरवाइज़ मैं जो मैंने आपको दिखाया फिट मी आई यूज़ दैट एंड देन द SPF एंड देन बाकी का सारा जो तामझाम है वो. सो हाँ ये सारा मैं इसलिए कर रही हूँ बिकॉज़ यू नो मुझे ऐसा लगता था कि
आई डोंट नो वाई पीपल विल बी इंटरेस्टेड इन नोइंग कि मैं क्या स्किन पे लगाती हूँ और क्या नहीं लगाती हूँ, बट मुझे ना बहुत सारे लोगों ने बोला यार जॉली यू मस्ट डू इट बिकॉज पीपल वॉन्ट्स टू नो, और मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि तू कर ये, और ये बहुत चलता है. मैंने बोला चलो भाई सबको अगर जनता को इंटरेस्ट होगा तो देख लेंगे, और ये मेरे लिए एक ट्राई एंड एरर है. अगर आप लोगों को पसंद आया तो फिर मैं इसमें मेकअप से रिलेटेड या बाकी की जो चीज़ें हैं वो बनाऊँगी, बाकी की चीज़ें मैं बनाऊँगी, अदरवाइज मैं नहीं बनाऊँगी. तो या मेरे पास में ये मिरर है, ये मैंने गोवा से ख़रीदा था, अभी जो मैं बीच में गोवा ट्रिप पे गई थी उस पर, गोवा तो मैं जाती रहती हूँ. सो हाँ, वन मोर थिंग ये बताना भूल गई मैं. सो देन आई डू दिस हाईलाइट्स विद दिस आईब्रो पेंसिल. अगेन ये ना कौन सा ब्रांड है मुझे पता नहीं है, ये मैंने एक ऐसे ही लोकल स्टोर से लिया था या पता नहीं कहाँ से लिया था, मुझे भी नहीं मालूम मैंने कहाँ से लिया था. सो इससे मैं अपनी, वैसे तो मेरी आईब्रोज अच्छी है लेकिन थोड़ा बहुत हाईलाइट कर लेती हूँ. सो ये मैं कर लेती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ. सो इतना नज़दीक आ जाती हूँ, दिख रहा है? ओके. सो आईब्रोज, अच्छा मुझे ना एक्चुअली आई रियली लव माय आईज पार्ट, तो मैं काजल और आप अगर देखेंगे आईलाइनर जो है वो मेरा हमेशा होता ही है. विदाउट आईलाइनर मैं कभी बहुत कम बाहर जाती हूँ, तो ये मेरा फेवरेट पार्ट है, ये मैं हमेशा करती हूँ. एंड अभी है ना आजकल लोग कहते हैं कि लाइक यू नो विदाउट मेकअप लोग, न्यूड लोग, अमकार लोग, ढमका लोग, तो उसमें भी दे डोंट यूज़ मच ऑफ मस्कारा एंड ऑल दैट. तो मैं भी मस्कारा, आई एम नॉट अ मस्कारा पर्सन, बट मुझे मेरी जो आईज़ है ना वो बहुत बड़ी है और मुझे अच्छी लगती है वैसे मेरी आईज़. आई लाइक माई आईज़. तो क्या हुआ, मैं आधी अंधी हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता. मुझे चश्मे का नंबर है लेकिन फिर भी मुझे अपनी आंखें बहुत पसंद है. तो ये मैं इससे ये जो है स्मच कर देती हूँ. आई होप आप लोगों को दिख रहा हो और आप लोगों को समझ में आ रहा हो. तो ये ना जनरली हम जब शूटिंग भी करते हैं ना तो आईब्रोज़ को हमेशा वो लोग कहते हैं कि आईब्रोज़ की वजह से आपका फेस थोड़ा ज़्यादा अच्छा सा डिफाइन दिखता है. अब देखो ये जो है ना, ये देखो कितना ज़िद्दी वाला है, टिंटेड वाला वो यूज़ करने के बाद में भी नहीं गया. या सो आई एम सॉरी, पता नहीं इस टाइम पे कोई आ गया था. सो एनीवेज, ये वाला जो आप देख रहे हो ये छोटा छोटा सा है, बट स्टिल कभी कभी मैं इसको हाइड करने के लिए, ये मुझे एक अनदर मेकअप आर्टिस्ट है उन्होंने सजेस्ट किया था. ये कंसीलर है, इसका जो लेबल है वो सब तो ख़त्म हो गया है, बट दिस इज़ मेबेलिन का कंसीलर नॉट कंसीलर सॉरी. सो इसको ना ऐसे यहाँ पे, ये सब मुझे पहले नहीं मालूम था. आप लोग सोच रहे होगे तू बना काहे रही है बे जब तेरे को कुछ पता नहीं है. तो जैसे कि मैंने कहा कि मुझे ना बहुत सारे ऐसे DMs आए थे और लोग है ना जानना चाहते थे कि आप करते क्या हो. वैसे मुझे इतने डार्क सर्कल्स नहीं है लेकिन ये ना मेकअप दादा लोग है ना जब भी शूट करते हैं तभी ऐसे 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 लगाते हैं. तो मैंने ना ये वहाँ से सीखा है और ये मैं ऐसे ही कभी कभी ट्राई, कभी कभी नहीं, जनरली जब मैं बाहर जा रही होती हूँ आजकल ऑनेस्टली मैं तभी ये सब ट्राई करती हूँ. तो ये मैं, ये भी मुझे एनीवेज सारा मैंने अभी लेटेस्ट में दो तीन महीने नहीं थोड़े ज़्यादा हो गए मैंने सीखा है. तो इसको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, सिर्फ ब्लेंड करना होता है और आपका जो थोड़ा सा भी स्किन, यहाँ का स्किन और यहाँ का स्किन थोड़ा अलग होता है ना, डार्क सर्कल अगर है तो थोड़ा ज़्यादा लगाओ और अगर नहीं है तो जहाँ जहाँ पे आपको ऐसे कुछ दाग धब्बे ऐसा लग रहा है कि है तो आप उसको थोड़ा सा हाइड कर सकते हो. सो या ये तो मेरा हो गया बेसिक, ठीक है. अब एक ये और चीज़ जो है ये मैंने ली है, स्विस ब्यूटी का है ये. सारी चीज़ें, मेरा सारा सामान जो है ना बड़ा बेसिक सा मिलेगा भाई, क्योंकि मैं ना इतना नहीं यूज़ करती हूँ. आप लोग को अब तक समझ में आ जाएगा कि मैं नहीं यूज़ करती हूँ. तो इसमें भी मैंने अभी ये 2-3 महीने पहले ही मंगाया है. तो दिस इज़ मेट फिनिश. सो आई यूज़ मोस्टली दिस ब्राउन और दिस और दिस, ये सारा मैं यूज़ करती हूँ. ये तो यूज़ ही नहीं होता.
सो अभी मैं फ़िलहाल, मुझे ना बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करना है, बस मुझे थोड़ा सा शो ऑफ करना है आप लोगों को, क्योंकि ना मुझे थोड़ा थोड़ा आता है, तो ये भी मैं थोड़ा बहुत करती हूँ कभी कभार, और स्पेशली जब मैं बाहर, कैसे यूज़ करते इसको ऐसे, तो जब मैं बाहर जा रही होती हूँ तब मैं ये इतना सा आजकल करने लगी हूँ। पहले मैं इतना कुछ करती नहीं थी, ये भी नहीं करती थी, सिर्फ मेरा रहता था एक मॉइस्चराइज़र फेस पे थोपड़े पे लगाओ, देन पॉन्ड्स का पाउडर चोपड़ो उसके ऊपर, एंड आइज़ के लिए मैं डेफिनेटली, मैंने बोला काजल मुझे बहुत पसंद है तो मैं काजल यूज़ करती हूँ, करती थी मतलब जब मैं छोटी बच्ची थी तब मैं काजल यूज़ करती थी, अभी भी करती हूँ, तो वो काजल यूज़ करती हूँ, एंड देन सो इधर आई यूज़ काजल यहाँ ऊपर या फिर नीचे जहाँ पे भी हो, और आजकल है ना वो काजल का जो लुक का जो फैशन है ना वो थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया है, तो आजकल लोग ज़्यादातर काजल नहीं लगाते, बट फिर भी मैं ना काजल जो होता है वो ऊपर आईलिड पे लगा लेती हूँ, और नीचे लगाना मैंने एकदम बंद कर दिया है, क्योंकि ना वो फिर मैंने बहुत अच्छे अच्छे काजल भी यूज़ करके देखे, बट वो कहीं ना कहीं से फिर वो ऐसे पूरा ये हो जाता था। सो सी दैट्स इट, अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, ये मैंने कर दिया, आई होप ये ठीक है, ओके बस इतना ही है, ये मेरा इतना ही है, हो गया इससे ज़्यादा कुछ देखने नहीं मिलने वाला है आप लोगों को, एंड देन आप देख सकते हो ये एलेथीन की काजल पेंसिल है, और ये भी टूट फूट चुकी है, ठीक है, ये मैं रोज़ घिसती हूँ मैं, और मुझे ना वो आईलाइनर से लगाना बहुत अच्छे से आता है, अनडाउटेडली आईलाइनर मेरा फेवरेट पार्ट है, मैंने कहा मेरी आईज़ मुझे बहुत पसंद है, तो मुझे आई मेकअप का बहुत शौक है, मुझे बहुत मज़ा आता है, तो आईलाइनर तो मैं प्रो हूँ, मैं खुले आँख से ऐसे मस्त में आईलाइनर लगा सकती हूँ, और मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी ये, अभी फ़िलहाल मैं काजल लगाती हूँ, ये रेगुलर बेसिस पे जब भी मुझे यहाँ वहाँ इतने में ही जाना होता है ना नीचे वीचे कहीं, तब मैं ये यूज़ करती हूँ, तो इसके लिए ना मुझे, मैं हमेशा अपना दूसरा जो मिरर जो है ना साबो, सॉरी मेरे यहाँ पे ना ट्रक की आवाज़ आपको आती रहेगी क्योंकि मेरा हाईवे साइड पे घर है, सो ये मैं ना मेरा जो बेडरूम में मिरर है ना उस पे मैं जनरली लगाती हूँ, वॉल वाले पे मैं आज इस पे ट्राई करती हूँ, आई होप ये अच्छे से हो, नहीं तो आप लोग मुझे बहुत गाली दोगे, सो ये ऐसे हमेशा ऐसे करके अगर आप लगाते हो ना, मुझे विंग्स से बनाने का बहुत शौक़ है, लेकिन वो मैं जब शूट कर रही हूँ या जब ऐसा कुछ होता है, सी कैन यू सी द डिफरेंस, थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ तो ये मुझे काजल से लगाना रोज़ जो है आईलाइनर पसंद है, बाकी के दिनों के लिए मेरे पास में वो लिक्विड आईलाइनर भी है, वो भी मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, बट एज आई सेड जब कहीं स्पेशली किसी ऑडिशन के लिए जाना या किसी मीटिंग के लिए जाना, ये वाला मोटा हो गया, ये वाला थोड़ा पतला हो गया, मैं जनरली बहुत पतला लगाती हूँ, लेकिन अभी है ना ये आप लोगों को दिखा के करना है तो मुझे थोड़ा कम जमता है, सो या दैट्स इट, आँखें मेरी हो गई ना, मेरा 90% काम हो गया ख़त्म, मैं ऐसे ही उठ के भी चली जाती हूँ कई बार, सो नाउ दैट, अच्छा ये क्योंकि मैं बाहर जा रही हूँ ना इसके लिए ये सारे नाटक है, अदरवाइज़ मैं सिर्फ आईलाइनर एंड लिप बाम और मॉइस्चराइज़र लगा के निकल पड़ती हूँ, अब आज के लिए स्पेशल है तो स्पेशल कुछ तो करना पड़ेगा, तो आज मैं जा रही हूँ थोड़ा सा बाहर, सो ये मैंने वन मोर थिंग शुगर का ये ब्लश ऑन मैंने अभी ही ख़रीदा है, सी इसे भी हार्डली, जब मैंने ये मंगवाया था ये, तब मैंने ये भी मंगवाया था, और ना ये भी उसी के साथ में मैंने ये सब ऑनलाइन ऑर्डर किया है नायका से, तो ये मुझे भी ना आजकल ये मेरा करंट फेवरेट हो गया है, मैं वो जो लिप एंड चिन टिंट्स आते हैं ना वो यूज़ करती थी, फिर जब से मुझे वो एक्ने का प्रॉब्लम हुआ सो आई स्टार्टेड यूजिंग दिस ड्राई थिंग, तो
कभी कभी ज़्यादा हो जाता है और उसके बाद में ना ब्लैंक कर दो तो हो जाता है, थोड़ा थोड़ा लगा दो। तो इससे ना ऐसे बहुत ही मेकअप किया हुआ वाला फील आता है, ऐसे बहुत ज़्यादा डार्क हो गया बट मैं इसको लाइट कर दूँगी, कोई बात नहीं। एक बार वो पाउडर लग जाता है ना, कॉम्पैक्ट पाउडर, उसके बाद में सब सेट हो जाता है। अच्छा तो ये दिस वन मोर फिट मी मेबेलिन, ये मेबेलिन ब्रांड मुझे थोड़ा सूट करता है तो इसलिए मैं सारी जो चीज़ें हैं ना वो मेबेलिन की ही यूज़ कर रही हूँ। सी देखो है ना कम हो गया ना, जब शूट करते हैं तब का जो मेकअप है ना वो जब मैं शूट कर रही होंगी तभी किसी दिन बनाऊंगी। और वो ऑफ कोर्स मैं नहीं करती हूँ, वो मेकअप एक्सपर्ट्स होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, जो दादा लोग जिन्हें हम लोग सेट पे दादा बुलाते हैं। ठीक है, सारा जो है कहते हैं कि आपका फेस का और इसका कलर हमेशा मैच होना चाहिए, इसको मैं कर रही हूँ। या सो ये हो गया मेरा इतना ख़त्म। लास्ट थिंग, ये मैंने दो दिन पहले जूडियो से एक न्यूड लिपस्टिक जो होती है, मुझे न्यूड शेड मिल गया। मैं जूडियो गई थी बहुत, मतलब फर्स्ट टाइम गई थी और मुझे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिली। ये नेल पेंट्स भी मैंने वहीं से ख़रीदी है एंड मुझे ये वहाँ से मिला जूडियो से। सो आई रियली लाइक द शेड, तो न्यूड शेड है। सो दैट्स इट, ये मेरी ये है न्यूड लिपस्टिक जो मैंने जूडियो से ख़रीदी थी एंड दैट्स इट। मुझे फ़ोन आ रहा है, मुझे जाना है, मेरे दोस्त का मुझे फ़ोन आ गया कि भाई कब निकल रही है, तो हो गया, दैट इज़ इट, इतना ही बस। ये बाल वाल को भी ठीक कर दूँगी, बाल खोल दो एंड आई एम डन। यू कैन सी, सो ये है मेरा मेकअप रूटीन जो मैं जब भी मुझे यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ जाना होता है नॉर्मली तो मैं इतना ही करती हूँ। ये मैं यूज़ करती हूँ, ये सारे प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ। बहुत ही बेसिक है, आई नो बहुत ज़्यादा प्रो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग मुझे कुछ सजेशंस देना चाहते हो तो प्लीज़ दीजिएगा। गेट रेडी विथ मी व्लॉग जो है आज का वो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप इस तरीके की और वीडियोज़ देखना चाहते हो मेकअप ब्यूटी एंड ब्ला 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 फैशन से रिलेटेड, देन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों को मिलूंगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए